हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। और मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ जिसके द्वारा आप अपने हेल्थ की बेहतर देखभाल कर सकें और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकें। और आज का टॉपिक है कि ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जनरली लोग करते हैं प्रेगनेंसी केयर के दौरान। और आज दो कॉमन मिस्टेक्स को मैं यहाँ पर एड्रेस करने वाली हूँ। सबसे पहले कि कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है और क्या कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स आपकी प्रेगनेंसी पर कोई असर डालते हैं, अच्छा या बुरा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल एक पेशेंट OPD में मुझे दिखाने आई जो थोड़े पास के एक गाँव से आई थी या कस्बे से आई थी और उसके पहले 3 प्रेगनेंसीज ख़राब हो चुकी थी। 2 बच्चे जो तकरीबन 7 मंथ्स प्रेगनेंसी के थे वो अबॉर्ट हो गए थे, यानी कि कम टाइम पर उनके लेबर पेन शुरू हो गए थे और बच्चा कम समय का होने की वजह से उसको नहीं सेव किया जा सका। और एक तीसरी प्रेगनेंसी तकरीबन 2.5 से 3 महीने की उसकी ख़राब हो गई थी, जिसको कि मिस्ड अबॉर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर आपकी कोई प्रेगनेंसी ख़राब हो रही है या अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपको किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत बार लोगों के दिमाग में एक मिथ होता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अदरवाइज प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिनोमिनन है, इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन इन केसेस में जहाँ पर कि पहली प्रेगनेंसीज में जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आए हैं, ऐसे केसेस में आपको ज़रूर डॉक्टर से एक कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए और प्रिफरेबली ये कंसल्टेशन प्रेगनेंसी के शुरू होने से पहले ही होना चाहिए। कुछ केसेस में कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकती है। किसी किसी महिला को डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है, डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन है। और कई बार जो डायबिटीज़ की सब क्लिनिकल स्टेज होती है, यानी कि ओवर डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड शुगर आपका नॉर्मल आ सकता है या कभी कभी एक आध रीडिंग ज़्यादा आ सकती है, लेकिन ऐसे केसेस में भी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस ऑलरेडी शुरू हो जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले अगर हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी के आउटकम पर बहुत अच्छा असर डालते हैं। अगर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म या डायबिटीज़ का जो स्टेटस है प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले शुरू पता चल जाता है तो आप उसके लिए अप्रोप्रिएट मेडिकेशन ले सकते हैं और इससे प्रेगनेंसी के आउटकम पर बहुत अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। वहीं पर कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं, विशेषकर फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले शुरू करने पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो इसलिए आपका जो पहला विजिट डॉक्टर के पास होना चाहिए, इन केस आपकी प्रेगनेंसी पहले से हाई रिस्क ग्रुप में आ रही है, कुछ अबॉर्शंस की हिस्ट्री है या मदर की एज ज़्यादा है या मदर को कोई मेडिकल इलनेस है या फैमिली में कुछ जेनेटिक डिजीजेस की हिस्ट्री है, ये सारे जो हाई रिस्क कैटेगरीज हैं, इन केसेस में ज़रूर आपको अपना पहला विजिट जो डॉक्टर के पास प्लान करें। ये प्रेगनेंसी शुरू होने से कम 1 या 2 महीने पहले अगर होता है तो इसके बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। इस स्टोरी में जो महिला को 7 मंथ्स के जो अबॉर्शंस हुए थे, जो उसकी जो वजह थी वो थी एक कंडीशन होती है जिसको कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इनकॉम्पिटेंट सर्वाइकल लॉस, यानी कि लोकल लैंग्वेज में समझाने के लिए किसी किसी महिला का जो गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है जिसे कि सर्विक्स कहा जाता है, उसके जो मसल्स होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं और बहुत बार वो समय से पहले ही लेबर पेस में चली जाती है महिला और डिलीवरी कम समय की होने की वजह से ख़राब हो जाती है या बच्चे का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में अगर महिला समय से डॉक्टर को कंसल्ट करती है तो उस केसेस में आपका ये कंडीशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसको कि शॉर्ट सर्विक्स कहा जाता है। और इन केसेस में तकरीबन 3.5 या 4 महीने के आसपास एक स्टिच को सर्विक्स पर लगाया जाता है, जिसको कि सर्वाइकल एनसरक्लाज कहा जाता है। और काफ़ी केसेस में अच्छे रिजल्ट्स ऐसे प्रिकॉशंस के साथ आ जाते हैं। तो इसलिए आपका पहला विजिट डॉक्टर के पास प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले होना चाहिए। इन केस अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उनके साथ अपनी पूरी हिस्ट्री को शेयर करिए और उनको ये बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई हैं और उसके हिसाब से डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेट करके जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उनको टाइमली ले सकते हैं। दूसरा मिथ जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत बार महिलाओं का सवाल होता है क्या हम नारियल पानी पी सकते हैं, क्या हम केसर खा सकते हैं। ये एक मिथ होता है कि नारियल पानी से या केसर से होने वाले बच्चे का जो स्किन कलर होता है वो बेटर हो जाता है। आजकल जहाँ पर स्किन कलर के जो कंसेप्ट से जो आज से करीबन 10 या 20 या 25 साल पहले होते थे वो अब चेंज हो चुके हैं,
स्किन का कलर मैटर नहीं करता है, स्किन की हेल्थ और टेक्सचर मैटर करता है। एक बहुत फेमस कंपनी जो पहले फेयर एंड लवली के नाम से अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रही थी, उसने भी अपना नाम चेंज कर अब ग्लो एंड लवली बना दिया है। यानी कि स्किन का आपका ग्लो मैटर करता है, कलर नहीं मैटर करता है। एंड फॉर दैट मैटर आप कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। स्किन का कलर किसी भी बच्चे का जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। जो उसके पेरेंट्स के स्किन का कलर है उसी के साथ उसके स्किन का कलर डिसाइड होता है। तो कोई भी फूड आइटम जैसे कि केसर या कोकोनट है, ये आपके स्किन के कलर को चेंज नहीं कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, स्किन के कलर से ज़्यादा ध्यान आप इस बात पे दीजिए कि बच्चा आपका हेल्दी हो और स्वस्थ हो, और अपने डॉक्टर से आप इसके बारे में पूरी कंसल्टेशन करिए। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स मैं एंड में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि डॉक्टर का विजिट आपका इन केस ऑफ हाई प्रेगनेंसी ज़रूर प्रेगनेंसी की शुरुआत से पहले हो जाना चाहिए। दूसरा, खाने पीने का जो मेन पर्पज़ होता है वो बच्चे की हेल्थ होता है, बच्चे का स्किन कलर नहीं होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।